नमस्कार साथियों, अनुशासन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 के तहत स्टैंडर्ड फोरम भी आते हैं, छोटी शास्ती बड़ी शास्ती भी आती हैं। तो इस वीडियो में लिया है अपन ने बड़ी शास्ती SF5 यानी कि मेजर पेनल्टी, और स्टैंडर्ड फोरम जो यूज करते हैं वो 5 यूज करते हैं इसके लिए, और ये इम्पोर्टेंट है। तो मेजर पेनल्टी यानी कि बड़ी शास्ती, और स्टैंडर्ड फॉर्म 5 यानी कि मानक फॉर्म 5। तो बड़ी शास्ती के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाता है वो 5 किया जाता है, SF5 जिसको अपन बोलते हैं, तो वो यूज किया जाता है। तो छोटी शास्ती 6 होती हैं और बड़ी शास्ती 5 होती हैं। तो बड़ी शास्ती 5 कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है इसमें पदच्युति यानी कि पद से अलग करना, तो पहला इसमें पद से अलग करना। दूसरा है अनिवार्य सेवा से मुक्ति, यानी कि इसमें जो अपनी जो सेवा होती है उसको हटा दिया जाता है, यानी अनिवार्य सेवा से मुक्ति दे दी जाती है, यानी कि बर्खास्त कर दिया जाता है, वो पुनः सरकारी सेवा के लिए एलिजिबल नहीं रहता है। तो ये बड़ी शास्ती है साथियों, और बड़ी शास्ती तो बहुत खतरनाक होती है। तो छोटी शास्ती में तो आदमी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। SF5 मेजर पेनल्टी खतरनाक चीज़ है। तो आप रेलवे की सर्विस बहुत ही ध्यानपूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, और आपसे कोई भी गलती नहीं हो सावधानी पूर्वक करें, किसी प्रकार की आपसे कोई गलती नहीं हो। आप पूरी कोशिश करें अपनी नौकरी ईमानदारी से करने की, और कहीं कोई गलती नहीं हो। बाकी तो आपका फिर आगे भगवान मालिक है। तो ये नियम आपको जानने बहुत ज़रूरी थे। डरा रहा नहीं हूँ मैं आपको, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि फिर रेलवे जब कार्रवाई पे आ जाता है तो रेलवे फिर कार्रवाई तो बनती है, कार्रवाई सख्त होती है। तो आपको इन चीज़ों से बचने के लिए अपनी नौकरी साफ सुथरी करनी है, टाइम टू टाइम करनी है, रेल सेवा अच्छे से करनी है, ईमानदारी पूर्वक करनी है, और किसी लपड़े झपड़े में नहीं पड़ना है, और इन सब चीज़ों से दूर रहना है। नियमों की जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। मैं तो आपको ये कहता हूँ कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और इन नियमों को जानना चाहिए, और अपने जो रेलवे की नौकरी है वो ईमानदारी पूर्वक और नियमों को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। तो ये जो डिसिप्लिन अपील रूल है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, मेजर पेनल्टी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम कहाँ थे, अनिवार्य सेवा से मुक्ति यानी सेवा से बर्खास्त कर देना। तो अनिवार्य सेवा से मुक्ति मिल जाती है और वो दोबारा सरकारी सेवा के लिए एलिजिबल नहीं रहता है। तो ये आपकी दूसरी है। तीसरा है सेवा से हटाना, यहाँ नौकरी से हटा दिया जाता है लेकिन वो सेवा के लिए नौकरी के लिए वह एलिजिबल रहता है, यानी कि उसको नौकरी पे वापस भी लिया जा सकता है। चौथा है वेतन क्रम के निचले स्टेज पर अवनति, वेतन क्रम का जो निचला स्टेज है उस पर अवनति कर दी जाती है, जिसके साथ ये निर्देश हो कि उसको किस ग्रेड पर लिया जाएगा, उसका वरीयता क्रम कहाँ होगा। तो ये भी एक बड़ी शास्ती है कि बड़ी शास्ती के अंतर्गत देखिए क्या क्या है। पहला है पदच्युति, पद से अलग कर दिया जाता है, अनिवार्य सेवा से यानी मुक्ति यानी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है, और सेवा से हटाना यानी सेवा से हटा दिया जाता है। अब यहाँ सेवा से बर्खास्त करना और सेवा से हटाना दोनों में अंतर समझिए। अनिवार्य सेवा से मुक्ति है यानी कि वो दोबारा सर्विस पे नहीं आ सकता, उसको बर्खास्त कर दिया जाता है यानी घर बैठा दिया जाता है। और तीसरा है सेवा से हटाना, यहाँ हटाने के बाद दोबारा वो एलिजिबल होता है, उसको दोबारा नौकरी पे लिया जा सकता है। तो दोनों में ये अंतर है। कई बार पूछा जाता है कि सेवा से बर्खास्त करने में और सेवा से हटाने में क्या अंतर है। तो सेवा से बर्खास्त करने का मतलब है रिमूव, आपके मतलब एक बार बर्खास्त कर दिया, वो दोबारा सरकारी सेवा में नहीं आएगा, वो घर बैठ जाएगा। लेकिन सेवा से हटाने का मतलब है कि वो पुनः सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल रहता है, वो पुनः नौकरी पर आ सकता है। चौथा है जो इसमें है कि वेतन क्रम के निचले स्टेज पर अवनति,
इसमें क्या होता है कि वेतन क्रम के निचले स्टेज पर उन्नति कर दी जाती है, जिसके साथ ही निर्देश रहता है कि उसको किस ग्रेड पर लिया जाएगा और उसका वरीयता क्रम कहाँ होगा, यानी कि उसकी सीनियरिटी कहाँ होगी। पाँचवा इसमें है वेतन वृद्धि पर रोक। वेतन वृद्धि पर रोक उसमें भी लगाई जाती है छोटी शास्ति पे, लेकिन उसमें 3 साल अधिकतम होती है, 3 साल से ज़्यादा नहीं लगा सकते। इसमें वेतन वृद्धि पर रोक जिसके साथ ही निर्देश होता है कि उसका प्रभाव वेतन वृद्धि पर पड़ेगा या नहीं। वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी जाती है और जिसके साथ ही निर्देश होता है कि उसका प्रभाव जो इंक्रीमेंट होता है सालाना, जो अपने को इंक्रीमेंट मिलता है साल में दो बार, साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलता है, दो बार डीए मिलता है, तो उसका इंक्रीमेंट पर प्रभाव पड़ेगा ये नहीं। वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी जाती है, साथ में निर्देश होता है उसमें लिखा रहता है कि इसका प्रभाव वेतन वृद्धि पर पड़ेगा या नहीं। तो ये थी बड़ी शास्तियाँ, और बड़ी शास्ति खतरनाक होती है साथियों, आप बच के रहना है इनसे। कभी भगवान करे तो आपको कभी इन चीज़ों की आपके ऊपर इस तरह की कभी आपदा नहीं आए, मेरी शुभकामनाएँ आपको साथ हैं। आप अच्छे से नौकरी कीजिएगा, नियमों को ध्यान में रखते हुए रेल सेवा कीजिएगा। जिंदगी भर एक रेल सेवा करना और साफ सुथरी नौकरी करना और किसी प्रकार की कोई दोष आरोपित नहीं होना, कोई चार्जशीट नहीं मिलना, मतलब एक साफ छवि, स्वच्छ छवि और एक साफ सुथरी नौकरी करके सेवानिवृत्त हो जाना, ये भी एक बहुत बड़े भाग्य की बात है साथियों। तो सरकारी सेवा आप अपनी ईमानदारी के साथ कीजिए, टाइम टू टाइम कीजिए, और अपने जो प्रशासन जो आदेश देता है उनके आदेशों की पालना ईमानदारी पूर्वक कीजिए, और नियमों को ध्यान में रखते हुए नौकरी कीजिए। और ईमानदारी से अपना सेवा कीजिए। तो धन्यवाद साथियों, आपके ऊपर कभी ऐसी कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं हो, जरूरत नहीं पड़े, ऐसी मेरी शुभकामना है आपके साथ। चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अपन डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया, स्टैंडर्ड फॉरम देख लिया, छोटी शास्ति देख ली, बड़ी शास्ति देख ली, और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और हैं, वो हम पार्ट 5 में देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।